लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमने बार बार उसकी उद्दंडता और शत्रुता के कार्यों को अब तक क्षमा किया है, परंतु अब वो हमारे धैर्य की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब वो दया का नहीं दंड का पात्र बन गया है। जाओ और उसे इसी समय समाप्त कर दो। जो आज्ञा यक्षराज। यक्षवीरों, इन दुष्ट राक्षसों को अलकापुरी से मार भगाओ। चलो यक्षराज वैश्यवन कुबेर की, 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 रावण की जय, कपति रावण की जय, सरदार रावण की जय, कपति रावण की जय, सरदार रावण की जय, की जय, यक्षराज वैश्यवन कुबेर की, यक्षराज वैश्यवन कुबेर की जय, यक्षराज वैश्यवन कुबेर की जय, यक्षराज वैश्यवन कुबेर की जय, कपति रावण की जय, सरदार रावण की जय, यक्षराज वैश्यवन कुबेर की जय, यक्षराज की जय, कपति राक्षस रावण की जय, राक्षस रावण की जय। दुष्ट रावण, अपने बड़े भाई पर आक्रमण का परिणाम तुझे भुगत नहीं पड़ेगा। उससे पहले रावण से बैर लेने का परिणाम तुझे और तेरे स्वामी कुबेर को भुगतना पड़ेगा मणिभद्र। भरत, तेरी मृत्यु तुझे यहां खींच लाई है। तूने रावण पर वार करने का साहस किया। हमारे वार से बचकर नहीं जा सकता। भ्राता रावण, मैंने नहीं, तुमने ही मुझसे अकारण पैर ठाना है। मैंने सदैव तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। मैंने तुम्हारे लिए सोने की नगरी लंका छोड़ी, फिर भी तुम्हारा लोभ तृप्त नहीं हुआ। बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी नई राजधानी अलकापुरी पर आक्रमण किया? हे दशानन रावण, सारी पृथ्वी का स्वामी है कुबेर। उसने अपने बाहुबल से समस्त राजाओं को अपना दास बना लिया है। यदि तू मेरी दासता स्वीकार करता है और मेरी लंका में हाथ बांधे खड़ा रहेगा तो मैं यह आक्रमण समाप्त कर दूंगा। कदापि नहीं, मैं तुझ जैसे दुष्ट राक्षस की दासता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तूने पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है अपने राक्षसी बल के सहारे।
मैं कभी भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर मेरे आक्रमण को गालियां ना दे और वीरों की तरह युद्ध कर मुझसे। वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि तुझ जैसे उद्दंड को दंड देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। पर बड़ा भाई होने के नाते एक बात अवश्य कहूंगा रावण, कि यदि तू इन कुकर्मों से विरत ना हुआ, यदि तूने अकारण दुष्टता न छोड़ी, तो तुझे इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा रावण। उस समय मेरी सारी बातें तुम्हें याद आएंगी। मुझे उपदेश देने का प्रयत्न करके मेरे क्रोध की आग को और प्रज्वलित ना कर कुबेर। मुझे जो कहना है वो तो मैं कह के रहूंगा रावण। तेरी बुद्धि को अभिमान और अत्याचार का ग्रहण लग गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे भयंकर पाप का फल भुगतना पड़ता है। अब भी सावधान हो जा रावण। तू सावधान हो जा कुबेर। तूने राक्षस राज महाशक्तिशाली दशानन रावण का अपमान करके क्षमा के सारे ही मार्ग बंद कर दिए। अब मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। अब तेरा अंत निकट आ गया है कुबेर। मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। वक्षराज रावण की जय। लंकापति रावण की जय। वक्षराज रावण की जय। लंकापति रावण की जय। वक्षराज रावण की जय। लंकापति रावण की जय। वक्षराज रावण की जय। राक्षस वीरो, अब कुबेर की राजधानी अलकापुरी हमारी है, और जिस पुष्पक विमान को लेकर कुबेर लंका से भागा था, वो भी अब राक्षस राज रावण का है। धन्य है लंकापति, आप सचमुच धन्य है। लंकापति रावण की जय। यक्षों के राजा कुबेर के बाद हमारा अगला लक्ष्य होगा स्वर्ग लोक। जो देवता कुबेर को उठाकर ले गए हैं, वो भी अब राक्षस राज रावण के प्रहार से बच नहीं पाएंगे। लंकापति रावण की जय। राक्षस राज रावण की जय। लंकापति रावण की जय। राक्षस राज रावण की जय। Oh,
विश्वेश्वर भोलेनाथ, आपके भक्त कुबेर का साम्राज्य लंकाधिपति रावण ने ध्वस्त करके अपने अधिकार में ले लिया है। भगवान, कुबेर और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। कुबेर युद्ध भूमि में अचेत हो गए। देवगण उन्हें उठाकर नंदन वन ले गए हैं। हे प्रभु, रावण अब इसी ओर आ रहा है। हे महादेव, कुबेर को जीतने के पश्चात रावण और भी शक्तिशाली हो गया है। अब उसका अभिमान गगन की सीमाओं को लांग रहा है। हे कैलाशपति, उसकी शक्ति पर अंकुश लगाइए, वरना सर्वनाश हो जाएगा। तो कुबेर का ये सारा पर्वत साम्राज्य अब मेरा है। दशानन रावण से युद्ध करने वाले कायर कुबेर, दुनिया में अब तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रावण, भगवान शिव शंकर की लीला भूमि कैलाश तक आने का साहस तूने कैसे किया? तूने हमारा रास्ता रोकने का दुस्साहस कैसे किया? ये भगवान शिव शंकर का स्थान है, यहां तुम नहीं आ सकते। कौन शंकर? मैं किसी शंकर को नहीं जानता। जो इस संसार में रहकर भगवान शिव शंकर को नहीं जानता, उसका जीना निरर्थक है। मेरा जीना निरर्थक है, यही कहना चाहता है तू? अरे मूर्ख, संसार के सबसे बलशाली सम्राट का अपमान कर रहा है तू। मूर्ख, इस संसार का बड़े से बड़ा सम्राट भी भगवान शिवशंकर के सामने अपना सिर झुकाता है, फिर तू है कौन? तेरे बोलने की हास्य भरी चेष्टा देखकर मुझे क्रोध नहीं हंसी आ रही है। दुष्ट, अपना मुख बंद कर, नहीं तो मेरे हाथ से सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। शिव के परम प्रिय सेवक नंदीश्वर को मारने की इच्छा रखने वाला अपनी मृत्यु से पहले ही मारा जाता है। मैं चाहूं तो तुझे इसी समय मार डालने की शक्ति रखता हूं, परंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अपने पाप कर्मों की वजह से तू जल्द ही मारा जाएगा। दुष्ट, अभी तो लंकापति रावण के बल को नहीं जानता, इसी कैलाश के कारण ये सब हो रहा है ना। मैं इस पर्वत को ही चढ़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। लंकापति, यह आपको क्या हो गया? देख लिया रावण, भगवान शिव शंकर की शक्ति का चमत्कार। अब तू रोते रोते पर्वत के नीचे पिसकर मारा जाएगा, और रोते रहने के कारण तेरा नाम रावण चरितार्थ हो जाएगा। हे लंकापति, भगवान शिव शंकर की लीला भूमि कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर आपने भगवान शंकर को रुष्ट कर दिया है, परंतु भगवान शंकर बहुत दयालु हैं।
वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, आप उनसे क्षमा की याचना कीजिए। मेरा शरीर पर्वत से दबने के कारण पिसता जा रहा है, मेरा श्वास अवरुद्ध हो रहा है, मैं प्रार्थना कैसे करूं? आप तो वेदों के ज्ञाता, ब्राह्मण और परम ज्ञानी हैं। विपत्ति के समय आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए स्वामी, इसलिए सारी पीड़ा भूलकर आप भगवान शंकर की स्तुति कीजिए। भगवान शिव, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको महान महादेव मानकर आपकी स्तुति करता हूँ। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निनाद बट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजान कांद कांतकम तमंत कांतकम भजे। प्रभु, शिव शंकर, आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, मैं धन्य हुआ। अब मैं आपको अपना इष्ट देवता समझकर आपकी स्तुति सदा करता रहूंगा और कभी आपकी महिमा को नहीं भूलूंगा। ऋषि विशर्वा ने बहुत पहले ही आज ही के दिन का स्मरण करके तुम्हारा नाम रावण रखा था। भविष्य में तुम रावण के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। प्रभु, यदि आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, तो मुझे उतनी ही आयु फिर से लौटा दीजिए जो बीत चुकी है, और मुझे एक ऐसा अस्त्र दीजिए जो संकट में काम आए। रावण, मैं तुम पर प्रसन्न हूं तथास्तु। तुम्हारे इच्छित दोनों वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे आयु का जो अंश बीत चुका है वो तुम्हें फिर मिल जाएगा। ये लो चंद्रहास खड़ग, यदि कभी इसका तिरस्कार हुआ तो ये फिर मेरे पास लौट आएगा। प्रभु, आपके दिए इस चंद्रहास खड़ग का कभी तिरस्कार नहीं होगा, आपके ही नाम की तरह मैं इसका आदर करूंगा।